मैं अनिल राजपूत, दिल्ली आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्वालियर से करीब 10 किलोमीटर पहले एक साइन बोर्ड देख रहा हूं और ये बाईं ओर इशारा कर रहा है एक सड़क मार्ग की ओर, जिस पर लिखा है शनिचरा 10 किलोमीटर। कुछ जिज्ञासा हुई जानने की कि ये क्या है। इस सड़क के दोनों ओर कुछ खेतीबाड़ी है और एक कुछ दूरी पर ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है। ये पहाड़ी भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये उल्का पिंड के टकराने से कुछ एक गड्ढा बना। इस स्थान पर एक मंदिर राजा विक्रमादित्य के समय का बना हुआ और उसके बाद इसका जीर्णोद्धार 1808 में महाराजा दौलतराव सिंधिया के समय हुआ। ये स्थान एक उल्का पिंड के गिरने के जगह पर, गड्ढा बने हुए स्थान पर है। मुख्य मंदिर में प्रवेश से पहले हनुमान जी की एक तरुण अवस्था की मूर्ति है। प्रवेश करते ही सामने एक भूरे रंग की पत्थर की मूर्ति, जो राजा विक्रमादित्य के समय की बनी हुई है, नजर आती है। इस पर ही लोग पूजा अर्चना और प्रसाद चढ़ाते हैं। आइए इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। हमारा नाम शिवरामदास त्यागी है और यहाँ मुझे लगभग जो है 56-57 साल हो गया। देखिए, ये जो है भगवान की जो प्रतिमा है शनि महाराज की, तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो है एक तांत्रिक प्रतिमा है, नाथ संप्रदाय की प्रतिमा है शनि महाराज की। नाथ संप्रदाय जो डायरेक्ट शिव जी से बिलोंग करती है, जैसे हमारे मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, तांत्रिक प्रतिमा होने के नाते ये विश्व की इकलौती प्रतिमा है, तांत्रिक प्रतिमा जी मध्य में विराज रही है हमारे यहाँ। और इस प्रतिमा के जो प्रमाण जो मिलते हैं, तो पहला प्रमाण मिलता है हमारे हरिवंश पुराण में, जो हमारा हरिवंश भगवान सूर्य से जो है पुराण है, जिसमें भगवान का भी जन्म हुआ था, सूर्य भगवान का भी जन्म हुआ, वही हरिवंश पुराण है। उसके जो है 14वें अध्याय में मिलता है इसका, कि जब अयोध्या में भयंकर अकाल जो हुआ, अकाल ग्रस्त अयोध्या हो गया, तब महाराजा दशरथ शनि लोक में जा करके शनि को लेके आ रहे थे पिंड के रूप जी। जब पिंड के रूप में लेके आ रहे तो शनि में इतना तेज था कि वो उसको लाते लाते बेहोश हो गए और शनि भगवान उनके हाथ से जो है वो पिंड छिटक गया। तब आदि बता, वो पिंड छिटक गया तब उनको जटायु जी ने बचाया था, जहाँ जटायु और महाराजा दशरथ की जो पहली मुलाकात हुई थी, वहीं से उन दोनों का प्रेम हुआ। वही ये पिंड है, इसको जो है कालांतर में रावण ले गया था यहाँ से, जो शनि मूर्ति है इसको रावण लेके गया लंका में, क्योंकि रावण तंत्र का बहुत बड़ा विद्वान था। हमारा दतिया, हमारा कुछ बुंदेलखंड, ये हमारा भिंड मोरेना ग्वालियर, ये सब पूरा का पूरा जो है आज काल से तांत्रिक क्षेत्र रहा है। यहाँ के 3 किलोमीटर दूरी पर मिताबली है, बढ़ावली है, जहाँ परकाया प्रवेश किया जाता था। ये शनि जो है कंदरा में थे, पहला प्रमाण। दूसरा हमारा आज परम में एक छोटा सा प्रसंग आया है, जब भगवान ने कृष्ण ने पांडवों से कहा युद्ध आ रहा है, तुम सब देवताओं से विजय प्राप्ति का उपाय करिए, तो पांचों पांडवा उज्जैन गए और वहां से हरसिद्धि मैया को लेके आ रहे थे। तो हरसिद्धि मैया का उनका जो एक वचन हुआ था कि आप जहां भी मुझे बिठा दोगे मैं वहीं रह जाऊंगी। तो हरसिद्धि मैया जो है जनसे मात्र जो 16 किलोमीटर की दूरी पर कुंतलपुर में है, हरसिद्धि मैया जी। और पांडव कृष्ण के कहने से पांचों पांडवों ने आकर के इस कुंदरा में आकर के भगवान शनि की आराधना की और यही शनि ने उनको दर्शन दिया जी। तीसरा हमारा जो है लेख जो मिलता हमारे उस पुराणों में, ये जो है मच्छंदर नाथ जो हुए थे वो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, विक्रमादित्य महाराज के बड़े भाई थे,
विक्रमादित्य को जब शनि ने सताया था तो इसी कंदरा में आकर के विक्रमादित्य को इसी मूर्ति के रूप में भगवान शनि ने दर्शन दिया। ये तो हमारा तीन जो हो गया। आर्कियोलॉजी का यह है कि ये ईसा से पूर्व छठी शताब्दी की प्रतिमा है, जो विश्व में इकलौती प्रतिमा है, ऐसी प्रतिमा कहीं है ही नहीं। एक शनि की प्रतिमा नहीं, इसके सामने जो हनुमान जी है वो भी बड़ी विचित्र और विलक्षण प्रतिमा है। अभी भगवान के रेखाएं नहीं आई हैं, पर लेकिन वो विश्व विजय रूप में है, उनका श्रृंगार अतुल्य है। ऐसा स्वरूप आज के जमाने में कोई नहीं बना सकता है। ये पूरा हमारा सिंबय क्षेत्र या शिव का परिवार है। अब देखिए तांत्रिक शनि क्या होता है, तंत्र साधना के द्वारा जो शनि को प्रसन्न करके, तो रावण जब ले गया था तो रावण ने सब नौ ग्रहों को अपने वश में कर रखा था, तो शनि से कहा मेरे पुत्र मेघनाथ का जन्म होने वाला है, नामकरण नहीं हुआ था, मेरे पुत्र का जन्म हो रहा है और तुम सब अपने अपने अच्छे घर में बैठ जाओ। शनि को भी कहा, देवताओं ने शनि से विनय करी, मंत्रणा करी कि आप ही बचा सकते हो, रावण की वजह से हम संसार परेशान है, अगर पुत्र इसका ऐसा हो गया तो क्या हो गया। तो सारे के सारे ग्रह अच्छे घर में बैठ गए, पर शनि आठवें में होते हुए भी सातवें में उन्होंने अपना वर्चस्व कर लिया। सातवें घर में बैठे तो जब रावण के पुत्र का जन्म हुआ और उसने जब ज्योतिष की दृष्टि से देखा तो कि ये मेरे पुत्र की जो अल्प आयु है वीर होगा, क्योंकि जाके पास में आठ ग्रह तो थे पर लेकिन नवे शनि नहीं थे, इसलिए शनि ने अपनी चाल चल के तो क्रोध में आकर के उनको उल्टा टांग दिया। पर हमारे रामायण में जो मानुष पीयूष में प्रमाण मिलता है इसका, मानुष पीयूष हमारी जो रामायण है वो एक बहुत बड़ी रामायण है, बहुत वजनदार है। उसमें जो प्रमाण मिलता है, जब हनुमान जी लंका में गए तो हनुमान जी के तीन ही उद्देश्य थे, सबसे पहले काल को आजाद किया, रावण की गुप्तचर जो संस्था थी उसको ध्वस्त किया और शनि को वहां से आजाद कराया, तब लंका का विध्वंस हो सका। लेकिन जो कहानी बताई जाती है कि शनि को रावण ने अपने पांव में दबा रखा था और वहां से हनुमान जी ने उनको निकाल के और यहाँ पर फेंक दिया था, कुछ इसके बारे में बताएंगे जी। वो देखिए कि जब रावण की बंदी ही गृह में था, सभा के अंदर जी, शनि को जो है, शनि की दृष्टि बहुत खराब है। शनि के हम बताएं कि हमारी सबसे बड़ी उंगली शनि की होती है, शनि इतना बड़ा है। सूर पुत्रो दीर्घ देही विशाल अच्छा अश्वप्रिया मंदाचारा सिंह आत्मा पीड़ा दहात्मी, शनि यानी विशाल है। एक देवता चंद्रमा सवा दो दिन में एक राशि से दूसरी पे पहुंच जाता है। हर एक देवता को डेढ़ और दो साल से ज्यादा नहीं लगती है, शनि को साढ़े सात वर्ष से एक राशि से दूसरी पर लग जाता है। शनि जब अपनी गति से चलता है, इतने धीमे चलते, इतने विशाल है कि इनको साढ़े सात वर्ष जातक की उस पर लग जाते हैं। तो वो तीन चरणों में उनको विभाजन किया गया, ढाई 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 करके, दो राशियों पर साढ़े सात होता है और तीन राशियों पर ढाई ढाई होता है। शनि इतना विशाल है कि सत्ताईस नक्षत्रों में से सबसे जो बड़ा नक्षत्र है पुष्प नक्षत्र वो नहीं था, तो वहां से हनुमान जी ने आजाद किया। तब यहाँ पर जो है बहुत बड़ा लंका में से जब फेंका तो आकर के शनि पर्वत के रूप में यहाँ बना दिया, जिसका हमारा प्रमाण मिलता है हमारे जो पुराणों में कि विंध्याचल श्रेणी से लगा हुआ शनि पर्वत और शनि पर्वत से लगा हुआ गिर पर्वत जो गिरिराज जी है, ये दोनों ही पर्वत हनुमान जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए जी। हनुमान जी ने भरपूर दृष्टि से शनि को जब सीधा किया, उन्होंने पहले अपनी दृष्टि से लंका को देखा, लंका को जैसे ही देखा लंका काली पड़ने लगी। शनि का ये स्वभाव है, शनि की दृष्टि बहुत खराब है, सामने से शनि को नहीं देखना चाहिए, शनि सबसे बड़ा दयालु है, देवताओं का न्याय जी से। शनि की सहायता से हनुमान जी ने लंका को जलाया और शनि को वहां से आजाद किया जी। अब इस मंत्र का एक हम आपको बताते हैं, ये हमारा चंबल का किनारा है, चरणावती नदी का किनारा पूरा का पूरा, और ये जो है सदियों से, आज से नहीं महाभारत काल से, द्वापर युग में, त्रेता युग में, यहाँ जो है डाकुओं का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा। त्रेता युग में भी डाकुओं का प्रमाण मिलता है, या एक और प्रमाण मिलता है राजा अम्बरीश का, जो वर्तमान में जो अम्बा है वो राजा अम्बरीश की राजधानी थी, या सत्य का बोलबाला था। दुर्वासा ऋषि भी शनि के महान भक्त थे, क्योंकि शनि की राजधानी में वो रहते थे। हम जो एक दैत्य की चोट पे एक बात कहते हैं कि पुष्प नक्षत्र में किया हुआ कार्य शनि पे 27 दिन के अंदर फल देता है 99%, 1% प्रकृति के हाथ में होता है। महाराज, ये कहा जाता है कि शनि शिग्नापुर का जो मंदिर है वो उसकी बहुत मान्यता है, और उसके बारे में और इसके बारे में क्या फर्क है मंदिर में, कुछ बताएंगे इसके बारे में जी। 1734 में यहाँ से जो मंदिर की शिला गई थी, जो 11वीं शताब्दी का जो मंदिर था उसका जो है, उसमें से जो शिला लेके और अहमदनगर के लिए गई थी, अहमदनगर में ले गए थे वो जी, जो हमारे ग्वालियर के जो राजा हैं सिंधिया, इनके जो द्वारा प्रेरित करके वो शिला वहाँ पहुंची थी 1793 में, जहाँ को सिंधिया का राज्य मिला ग्वालियर का। पहले सिंधिया यहाँ के नहीं थे, यहाँ तो तोमर वंश था,
और ये जो मंदिर रहा शनिदेव का, जब शिला भी उस समय गई थी तब यहाँ जाट राजाओं का संवर्ष था जी, बहुत बड़ा वर्चस्व था। तब यहाँ से शिला के रूप में जो शनि सिंगनापुर के लिए, अहमदनगर के लिए जो शिला गई थी वो 1734 में हमारे यहाँ हमारे ग्वालियर के गजेटियर में लिखा हुआ है जी। हमारे मंदिर के इतिहास में लिखा हुआ है, जो वर्तमान में इतिहास हमारा मोरेना संग्रहालय में जो है सुरक्षित है। यहाँ एक शिलालेख भी मिला है जी, वो शायद शिलालेख ईसा से पूर्व का है जी, किस श्रेणी में लिखा हुआ है, वो शिलालेख मोरेना संग्रहालय में, पुरातत्व संग्रहालय में जमा किया गया है जी। ये हमारा शनि सिंगनापुर फेमस क्यों हो गया, क्योंकि ये तो चंबल में था और चंबल में लोग आने से डरते थे, डाकू समस्या बहुत भयंकर थी और डाकुओं के जो इष्ट होते हैं शनि और दुर्गा को इष्ट होते हैं डाकू के, कोई भी डाकू छोटा हो या बड़ा हो पर लेकिन वो शनि को और दुर्गा को अपना इष्ट मानता था। और ये शनि का गढ़ रहा, शनि मंदिर पे जो है लगभग 500-600 साल तक जो है पे जब डाकुओं का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा। जब सिंधिया को राज्य मिला, सिंधिया के अधिकार क्षेत्र में जब गया तब ये जो वर्तमान का जो मंदिर है, तो सिंधिया ने 1806 में 18वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया, जब जाट राजाओं से समझौता हो गया और यहाँ से शिला अहमदनगर के लिए गई थी जो वर्तमान में शनि सिंगनापुर जी। वो शिला जो है उसमें कुछ उकेरा हुआ नहीं है, सीधी एक शिला है जो रखी हुई है, जबकि यहाँ की जो मूर्ति बनी हुई है वो बहुत प्राचीन है। वो शिला मात्र शिला है, यहाँ से एक वही गिनी गई है, एक शिला महाराष्ट्र में गई थी वो शनि सिंगनापुर में, यहाँ से शिला जो हमारे जो एक सरसा सिटी है हरियाणा में, जहाँ सरसई नाथ जो हुए हैं उन्होंने यहाँ खोज की थी, तो 200 साल पहले यही से जो है उनका ये यहाँ से ही शिला जा करके वो वहाँ महाप्रतिष्ठित हुई थी। यहाँ हमें शिलाओं का जो हमारे पास में 150 से 200 साल पुराना जो है कई जगह रिकॉर्ड लिखा रखा है, जहाँ जहाँ शिलाएं गई है भारत वर्ष के बहुत सी जगह गई है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। वाह जय।